ग्राम पंचायतों में पंचायती नुमाइंदों को कानून की जानकारी दिलाने के लिए वीडियो सभागार में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो अस्मिता ने शिरकत की और वर्कशॉप में मौजूद हमीरपुर मंडल के पंचायत वार्ड सदस्यों व प्रधानों को कानून संबंधी जानकारी दी। पंचायत स्तर पर ही ग्रामीण मामलों को सुलझाने के लिए वार्ड सदस्यों को कानून की बारीकियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वीडियो हमीरपुर अस्मिता ने बताया कि वार्ड सदस्यों को कानून की जानकारी दी जा रही है, जिसमें गांव में वार्ड सदस्य किस तरह से लोगों के विवादों में काम करें और फैसले दें। इसके अलावा वार्ड सदस्यों को सभी प्रकार के मामलों के बारे में भी बताया जा रहा है कि किस मामले में क्या करना है और कौन सा मामला पुलिस के पास फॉरवर्ड करना है। वर्कशॉप में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि 2 दिवसीय वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिला है और वर्कशॉप में कानून की जानकारी मिली है, जिससे पंचायत में विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिंद सेवा सुशासन की शानदार नजीर साबित होगी। ये हिमाचल सरकार की अंत्योदय को समर्पित योजना है, जिससे लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान तय होने के साथ ही शासन व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी फीडबैक मिलेगी। मंडलीय आयुक्त मंडी विकास लाभ ने मंडी मंडलीय क्षेत्र के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिम सेवक की कार्यप्रणाली समझाने के लिए आयोजित कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लोगों की शिकायतों के तत्काल एवं स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान है। उनका जोर है कि लोगों को अपने कार्य के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, जन शिकायतों का घर द्वार पर समयबद्ध समाधान हो और लोगों को ये भी पता रहे कि उनकी शिकायत पर किस स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, लोक व्यवस्था का हिस्सा बने। अंत्योदय को समर्पित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हिम सेवा शिकायत सूचना और सुझाव की त्रिवेणी का संगम होगी। पहला, इसके जरिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे, जिसका निर्धारित समय सीमा में समाधान तय होगा। दूसरा, सभी सरकारी योजनाओं की सूचना इससे मिल सकेगी। साथ ही लाभार्थी आवेदन भी कर पाएंगे। तीसरा, इससे शासन व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए जनता से सुझाव व फीडबैक मिल सकेगी। सूचना प्रौद्योगिक विभाग के निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने हिम सेवा प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन प्रदेश में वर्तमान में जन शिकायत निवारण की स्थापित व्यवस्थाओं की जगह नहीं लेगी, बल्कि उन सभी को एक धारा में जोड़ने का काम करेगी। जल्द ही मुख्यमंत्री 4 अंकों का एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिस पर कॉल कर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। लोगों की कॉल सुनने के लिए शिमला में पूरी व्यवस्था के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें एक समय में एक साथ 60 कॉल सुनी जा सकेंगी। दर्ज शिकायत तुरंत संबंधित विभाग व अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसका तय समय में समाधान करना होगा। शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी को SMS के जरिए पंजीकरण की जानकारी देने के साथ एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी साझा किया जाएगा। अधिकारी पोर्टल पर शिकायत देख पाएंगे तथा समाधान के बाद पोर्टल पर निपटारा दर्ज करेंगे। इसके उपरांत कॉल सेंटर से निवारण को लेकर संतुष्टि जानने के लिए शिकायतकर्ता को कॉल की जाएगी। उनके संतोष जताने पर शिकायत समाप्त होगी, अन्यथा अगले स्तर के अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत 4 स्तरों पर शिकायत के मामले पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें खंड स्तर, जिला स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा राज्य स्तर शामिल है। हेल्पलाइन की निगरानी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। ये हेल्पलाइन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यशील रहेगी। निर्धारित समय में समस्या का निदान न होने पर इसे अगले स्तर पर कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने हेल्पलाइन को लेकर विभिन्न अधिकारियों के सवालों का उत्तर देकर जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यशाला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के
सहायक निदेशक अनिल सिंबाल ने हिम सेवा की कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री के आईटी मैनेजर किशोर शर्मा ने कहा कि हिम सेवा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनहितैषी सोच का प्रतिफल है। उन्होंने सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री के इस प्रयास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग का आग्रह किया। सोलन के कुम्हारहट्टी में हुए दिल झकझोर देने वाले हादसे से लोग उभर नहीं पा रहे हैं, जिसमें भवन धंसने से 14 लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें मलबे से निकालने के लिए 24 घंटों का समय लगा था। इस तरह की घटनाएं पहले भी जिला सोलन में कई बार घट चुकी हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुम्हारहट्टी की घटना को लेकर हिमाचल लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त प्लानिंग अधिकारी एआर शर्मा ने अपने 19 वर्षों के अनुभव के आधार पर अपनी राय दी और बताया कि उन्हें प्रतीत होता है कि भवन की नींव ठीक से नहीं रखी गई होगी और न ही मिट्टी का निरीक्षण करवाया गया होगा। उन्होंने बताया कि पिलर सभी एक सीध में होने चाहिए और सख्त नींव पर रखे जाने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल जैसा आदेश मिस्त्री को दिया जाता है, वैसे ही निर्माण नियमों को दरकिनार कर वो कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सेवानिवृत्त प्लानिंग अधिकारी एआर शर्मा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं से केवल कंबाइंड फुटिंग या राफ्ट नीम रखकर बचा जा सकता है, लेकिन इस तरह तकनीक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और ना ही वे ये तकनीक अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि मकान बनाने से पहले मिट्टी का निरीक्षण करवाना बेहद जरूरी है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन नियमों का पालन करना चाहिए और अच्छे आर्किटेक्ट से ही नक्शा भी बनवाना चाहिए। वहीं आम लोगों की राय है कि आजकल जो भी निर्माण कार्य सोलन में हो रहा है, उसमें नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्रों में ज्यादातर बहुमंजिला मकान बने हैं और बन भी रहे हैं, उनके लिए सख्त नियम बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सख्त नियम नहीं बनाए जाएंगे तो इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।